था झलक। झलक वॉज ऑलवेज माई फेवरेट शो, मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, हमेशा से जब मैंने वो स्टेज देखा था व्हेन आई हैड कम टू द इंडस्ट्री। सो ये एक स्टेज था जहाँ पे आपको आना होता है, बट समहाउ इन दोज ईयर्स इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, मैं हुआ नहीं, यू नो मैं नहीं आ पाई। और फिर जब आने का फाइनली मन बना तो ये शो चला गया, यू नो 5 साल ये शो नहीं था। और दिस ईयर व्हेन इट केम, नोबडी हैड एक्सपेक्टेड, नोबडी मतलब लिटरली नो वन हैड थॉट कि किस एक कॉल आएगा कलर से, दैट विल बी फॉर झलक, यू नो बेसिकली बिकॉज दे ऑलवेज कॉल फॉर बिग बॉस एंड दिस एंड दैट, बट नोबडी वुड एक्सपेक्ट एंड हियर इट वॉज झलक। एंड आई थिंक गेटिंग लॉक्ड फॉर दिस वॉज माई हैप्पीएस्ट फीलिंग। इस ईयर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा है एंड आई वॉन्ट टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू गो फार इन दिस। फेवरेट आई मीन इट्स जस्ट 3 वीक्स राइट नाउ और फर्स्ट 2 परफॉर्मेंसेज मेरे इतने पावरफुल गए हैं, जो मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड मैंने नाचा, मेरी कैपेसिटी और मेरी इमेजिनेशन के बियॉन्ड मैंने वो परफॉर्मेंस दी हैं। और जिस तरह से मुझे प्रेजेंट किया गया, लाइक ऑन टॉप ऑफ अ लायन द प्रॉप, इतना पावरफुल फील, इतनी पावरफुल फीलिंग थी दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट एंड आई हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन माई आईज। एंड मुझे बस ये लगा कि ये मोमेंट है और इसको एम्ब्रेस करना चाहिए एंड दैट्स वॉट आई डिड। और आई डोंट नो, इससे बेटर स्टार्ट और इससे इम्पैक्टफुल शो मुझे नहीं मिल सकता था और मेरी प्लेसिंग वो इज बैंग ऑन द शो। बिहाइंड द स्टोरी मेरा पूरा सोशल मीडिया पे है, बहुत जान जाती है, बहुत बॉडी टूटती है, रात को उठा नहीं जाता, देर इज स्टिफनेस इन द बॉडी, बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे ब्रूजेज नहीं बने हुए हैं, जहाँ निशान नहीं है, बट उसमें भी एक मज़ा है, दैट्स अ डिफरेंट हाई एंड आई एम इन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट। मतलब आई हैव वेटेड, यू नो मैं हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलती हूँ, मैं 1.5 साल आई वेटेड फॉर अ प्रोजेक्ट और यू नो थिंग्स वर्कड आउट, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, बट कोविड उसके बाद का पीरियड हैज़ बिन वेरी वेरी लेट बैक फॉर मी। सो अब ये आया है, मैं इसको दोनों हाथों से मुट्ठी बंद करके ग्रैप कर रही हूँ ये अपॉर्चुनिटी एंड आई विल नॉट लेट एनी मोमेंट पास जहाँ पे मैं मेरी बॉडी एक मुझे टेक ओवर कर पाए या फिर एनी अदर फीलिंग ऑफ फटीक विल टेक ओवर, ऐसा नहीं होगा। दिस इज़ डू अर डाई, दिस इज़ इन इट टू विन इट काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। सो तरुण इज़ माई पार्टनर, मैं नहीं जानती थी शो से पहले बट व्हेन आई गॉट टू नो हिम, उसकी स्पेशलिटी है लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स, ही इज़ इन टू डांसिंग बट especially with me फ्लोर पे शायद ही मैं रहती हूँ हमेशा, देर आर सो मैनी लिफ्ट एंड अप इन दी एयर, उसके टांगों के नीचे से, ऊपर से, उसके कंधे के पीछे से, सो मेरा पूरा जोग्राफी समझ नहीं आता मैं कहाँ लैंड कर रही हूँ कहाँ उतर रही हूँ। एंड सच अ मैसिव डिफरेंस इन वॉट यू डू इन रियल लाइफ एंड वॉट यू डन इन योर पास्ट परफॉर्मेंसेज, दिस इज एंटायरली डिफरेंट, दिस इज नॉट इवन डांसिंग, दिस इज अ लॉट मोर देन दैट, कोर स्ट्रेंथ, योर बैक, योर दिस, यू हैव टू बी मेंटली एंड वेरी soulfully prepared for a show like this. It's not just about apne aaya seekha rata, main 2 din mein kar leti hu, but main yahan pe 12 ghante ek din ke de rahi hu, 8 din hame milte hain. I'm saying it takes your soul, it takes your life, and if you're not investing that, I don't think you can go far in this, in a show like this. The response has been humongous and maine aisa expect hi nahi kiya tha, koi din nahi gaya jab trend nahi ho rahe hote, koi din nahi jata jab wo performances ke liye messages nahi aate, so it has the you know your social media is again flooded, the messages that come in, it just it's overwhelming and mujhe unko bolne ki bhi zarurat nahi hai, but the way they cheer you up, the way they pump you up, it's just massive, it's very cute, so I like them and thank you, keep it going guys.